हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बड़े होंगे। आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं, क्या ईद के दिन कब्र के अंदर ऐसा क्या होता है? तो मेहरबान अली जी का वीडियो है। तो ये वीडियो देखने वाले हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और इनके चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ईद के दिन एक शख्स इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, हर ईद के दिन आप कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? जैसे ही ये पूछा गया तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, ईद के दिन तुम्हारे मरे हुए लोग तुमको याद करते हैं। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जब जब जमीन पे ईद की खबर आम होती है तो बरज़ख वाले अपने जिंदा लोगों को याद कर कर के कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में हर ईद को अपने अजीज व अकारिब के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज हमारे मरने के बाद हमारे अजीज व अकारिब हमें याद तक नहीं करते, एक छोटी सी नेकी करके भी हमारे लिए हदिया नहीं करते। ऐ शख्स, अपने आप से वादा कर लो कि जब जब ईद आए अपने मरहूमीन की कब्र पे जरूर जाना, और कब्र पे एक मर्तबा सूरह फातिहा और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़कर उनकी मगफिरत के लिए दुआ करना। तो वो कहने लगा, या अली, अगर ईद के पहले दिन कोई शख्स कब्र पे न जा सके तो? इमाम अली रहसलाम ने फरमाया, दूसरे दिन जाना, अगर दूसरे दिन भी नहीं जा सकते तो तीसरे दिन जाना। तो वो कहने लगा, या अली, मेरे वालिदैन की कब्र बहुत दूर है और मैं कितनी भी कोशिश करूं वहां 2-3 दिन तक नहीं पहुंच सकता। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, अगर कोई इंसान ईद के दिन अपने मरहूमीन की कब्र पे नहीं जा सकता तो ईद के दिन जो वो पहला ताम खाए उस पे 1 मर्तबा सूरह फातिहा और 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़कर अपने अपने मरहूमीन की मगफिरत के लिए दुआ करें, क्योंकि जब तुम ईद की खुशी में अपने मरहूमीन को याद करोगे, उनके लिए दुआ करोगे, तो वो भी बरज़ख से तुम्हारी खुशहाली, कामयाबी और दुआओं की कबूलियत के लिए दुआ करेंगे। और यूं अल्लाह ईद के मुबारक दिन के सदके उस जिंदा इंसान की जिंदगी पर रौनक बना देगा जो खुशियों में अपने मरहूमीन को याद करता है, खुशियों में अपने मरहूमीन को याद करता है, खुशियों में अपने मरहूमीन को याद करता है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, और काफ़ी शॉर्ट वीडियो था, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था। और एक शख्स इमाम अली को पूछता है कि आप हर ईद के दिन कब्रिस्तान क्यों जाते हो? तो वो बता रहे उसका आंसर कि कब्रिस्तान में जब हम जाते मैं मतलब मैं जाता हूँ, तब तुम्हारे जो मरने मरने हुए लोग हैं वो आप वहाँ पे आते हैं उस दिन, और आपको मतलब दुआ देते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, आपके जो मरे हुए लोग हैं उसके लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक दिन में 2 दिन में नहीं जा सकते तो आप ईद के दिन जब आप खीर या ऐसा कुछ था वो खाने से पहले एक बार सूरह फातिहा और 3 बार कौन सा तो सूरह था उसका नाम बताया वो मतलब गाना चाहिए। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा था, और मेहरबान अली जी के वीडियो काफ़ी अच्छे और काफ़ी इंफॉर्मेटिव होते हैं। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।